नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। यह है मऊ के खूनहट के दरोगा जी, जो गाना गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक करते हुए गाना गा रहे हैं। सड़कों पे अपने लाव लश्कर के साथ गाना गाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में ही कैद रहें, लोग घरों में कैद रहने से ही सुरक्षित हो सकते हैं। ये पूरा वाक्य है मऊ के खूनहट स्थिति चौकी इंचार्ज का। मेरे प्यारे जनार्दन, आप सभी से मेरा भाव अपील है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के सिद्धांतों व नियमों का पालन करें। आपको इस महायुद्ध में कुछ करना है, इस कोरोना जैसे महामारी से बचना है तो केवल अपने घरों में रहें, खुद को बचाएं, समाज को बचाएं और देश हित में अपना सहयोग करें। हम आपके लिए रोड पर हैं, आप केवल घर में बैठकर इस कोरोना जैसे राक्षस को हराने में अपने मदद कीजिए, योगदान कीजिए। इससे बेहतरीन देशभक्ति करने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। मित्रों, आप घर में रहिए, आपके मनोरंजन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध इस कोरोना जैसे राक्षस के ऊपर हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मित्रों, हम सबको इस लड़ाई में मिलकर लड़ना है, हम आपके साथ हैं। आप केवल प्रशासन का सहयोग करें, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकले, हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, तो है मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। महामारी से सामना कर रहे हैं, कोरोना जैसे राक्षस से सामना कर रहे हैं, उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप सभी लोग सिर्फ अपने गांव में रहें, इससे हम इस युद्ध में विजयी होंगे, प्रभावी ढंग से विजयी होंगे। मित्रों, एक बात याद रख लो, जब जो कोरोना वायरस जिस देश में प्रारंभ हुआ, चीन और साउथ कोरिया, आज उन देशों में ये वायरस डेथ हो चुका है, वहां के देश ने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया है। उसका एकमात्र कारण सोशल डिस्टेंसिंग, सभी वहां के नागरिकों ने अनुशासन का पालन किया,
अनुशासन में रहा, सरकार के द्वारा जो भी कार्य जारी होते रहे उसका पालन किया। वायरस को हराने का केवल एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। अपने घरों में रहें, अगर बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहने, दूसरे पब्लिक से 1 मीटर की दूरी पर रहें। और यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं, चाहे वो राशन के हो चाहे मेडिकल स्टोर्स के हो, कोई भी दुकानदार आपके दुकान पर आता है तो आप अपने दुकान के सामने रिंग बना दे और 1 मीटर की दूरी से ही उसको सामान दे। इस नियम का आप लोग पालन करिए, निश्चित रूप से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि चीन और दक्षिण कोरिया ने अपने ऊपर कंट्रोल तो कर लिया, क्योंकि वहां के नागरिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को समझ लिया। और पृथ्वी के दूसरे पटल पर अगर हम जाएं, इटली, ईरान, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसी महाशक्तियां, पावरफुल कंट्रीज, आज कोरोना वायरस के चक्कर में फुटपाथ पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि समय रहते वहां के नागरिकों ने अपना जागरूकता नहीं दिखाया, इसको हल्के में लेते रहे और उसका खामियाजा वो सब भुगत रहे हैं। मित्रों, हम आपसे एक अपील करते हैं, केवल और केवल 21 दिन का लॉकडाउन है। आप सभी लोग से मेरी भावुक अपील है, बार बार मैं अपील करता हूं कि आप लोग केवल अपने घरों में रहें और निश्चित रूप से हम इस वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद।